कक्षा 9 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज हम है ना आपको एक ऐसा पेपर सॉल्व कराएंगे जो कि आपको वार्षिक परीक्षा में बल्ले बल्ले करा देगा। क्योंकि मैं बड़ी रिसर्च के बाद और बड़ी छानबीन करने के बाद ही आपको सामने मॉडल पेपर लाता हूँ, कोई से भी प्रैक्टिस पेपर लाता हूँ, क्वेश्चन पेपर कोई सा भी पेपर लेकर आता हूँ तो बड़ी छानना करने के बाद ही लाता हूँ। तो इसी तरह बड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और संभावना है एग्जिट जो बताऊंगा क्वेश्चन वही फंस सकते हैं। तो आइए बेटा जरूर ध्यान से आप देख लीजिएगा एक बार और सोल्व कर लीजिएगा। तापमान का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है? तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए एन ए है, वो भी कैपिटल लेटर वाला। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है तो ये दा नंबर का राइट रहेगा। ऐसा ही पद्धति में भार का मात्रक, ऐसा ही पद्धति में भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है, रंध्र जो रंध्र होते हैं ना वो रंध्र पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है परा ध्वनि तरंगे। सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, ठीक है भैया। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में सोडियम लिक्विड गैस तरंगों के रूप में संचलित होती है। गति का नियम जो है सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था, किसने दिया था? न्यूटन ने। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। पदार्थ जो होते हैं तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ क्या है, कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से मैं सारी चीज़ आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। बस ये देखिए संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक जो जाएगा रक्त आएगा। त्वरण का जो मात्रक है वो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये यदि हम इसको त्वरण का जो मात्रक है ना, ये कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा ऐसा, क्योंकि यदि हम इसको या करके ऐसा लिखते हैं कि जब बटे से ऊपर लेकर आएंगे तो घात दो प्लस की तो माइनस की जाएगी। ये त्वरण का आपका मात्रक आप लिख सकते हैं ना भैया, दोनों मात्रक ऐसे यहाँ से देखें। ऊर्जा का जाएगा अधिश राशि। पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम आएगा। एरोसोल का आपका जाएगा कुहारा, कुहासा बादल। बल का आ जाएगा आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। दाब का ऐसा ही मात्रक, तो दाब का ऐसा ही मात्रक जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? देखिए किसी कोई वस्तु है उसका जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड यहाँ से। नारियल का जो रेशा है किस ऊतक का बना होता है? स्केलेरन काइमा का बना होता है। कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम है माइटोकांड्रिया। कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उनका त्वरण क्या होगा? देखिए कोई भी वस्तु यदि गतिमान वेग से है तो उसका त्वरण होगा शून्य, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता, असत्य। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है, ये आपका सत्य रहेगा। यदि हम बात करें तीसरे की तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा जो है ये आपका असत्य रहने वाला है। पांचवा देखेंगे ये गलत रहेगा और छठा आपका सत्य रहने वाला है। प्रकाश सॉल्यूशन देखते हैं, तो ये देखिए सेट सी चल रहा है अपना, ये सेट सी। यहां से कलनांक एवं कथनांक में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये अथवा, ये 9, क्वेश्चन 10, ये अथवा हो गया, क्वेश्चन 11, ये इसका तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना। ये आरेखित पेशी का नामांकित चित्र, एक समान वृत्ति गति के उदाहरण,
ये यहां से अथवा। क्वेश्चन नंबर 14, ये 15, ये आपका 16वां क्वेश्चन रहेगा, द्रव्यमान और भार में अंतर। यहां से 16वां का अथवा है, ये हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 का अथवा है। क्वेश्चन 18, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, ये यहां से इसका अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका उदाहरण, ये इसका अथवा यहां से देख लीजिए। मत्स्य संवर्धन के दो गुण दोष लिखने हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 अथवा।